हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कर। तो बेसिकली आज वाली क्लास में अपन मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन, परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, हाउ टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस बाय विक्टर मेयर मेथड और बाय सिल्वर सोल्ट मेथड। राइट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ Cl2। बच्चा, ये जो Cl2 का परसेंटेज अवेलेबिलिटी है, इट इज डिफाइंड फॉर CaOCl2, दैट इज नथिंग, इट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। राइट, देखेगा अपन को बेसिकली बताना है, आपको ब्लीचिंग पाउडर का मास दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। राइट, देखेगा बच्चा, इसमें अपन करते क्या है, CaCl2 को अपन मोटर में डालते हैं। मान लो यार, इसका आपने W ग्राम लिया, जब इसको वोटर में डाला तो वोटर में डालने के बाद Cl2 गैस रिलीज होता है। मान लो इसका x ग्राम रिलीज हुआ, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन W ग्राम ऑफ दैट इज ब्लीचिंग पाउडर इज टेकन। राइट सर, देखेगा तो आई कैन राइट अप्लाई POAC ऑन क्लोरीन। बच्चा, यदि क्लोरीन पे अपन POAC को अप्लाई करते हैं तो मेरी बात सुनिएगा, दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ CaOCl2, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ दैट इज Cl2। राइट सर, 2 से 2 आपका कैंसल हुआ। मोल्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज वेट बाय मोलर मास। तो बेसिकली बच्चा है क्या, आपके पास जो वेट है दैट इज W ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास आप निकाल सकते हैं। बच्चा, जब आप मोलर मास निकालेंगे, दैट फिगर विल कम्स आउट टू बी 27 इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास x बाय 71। तो x का वैल्यू आ जाएगा W बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय 71 ग्राम। तो इस तरीका से आप लोग परसेंटेज या फिर मास ऑफ Cl2, मास ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं इन W ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। W का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, X का वैल्यू आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। किया अपन ने कुछ नहीं, अपन ने सिंपल POAC अप्लाई किया। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा, नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। बच्चा, परसेंटेज अवेलेबिलिटी फॉर ऑक्सीजन, देखिएगा पहला पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर MnO2। MnO2 को आप जानते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पायरोलुसाइट। राइट सर, देखिएगा तो होता क्या है, जब भी आप MnO2 को किसी एसिड में डालेंगे तो आपके पास O2 गैस लिब्रेट होगा। राइट सर, देखिएगा मान लो यार, इसका आपने W ग्राम लिया और आपके पास X ग्राम O2 गैस बाहर निकला, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X व्हेन W ग्राम ऑफ MnO2 इज टेकन। राइट सर, देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, समझिएगा, अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आप सिंपली POAC अप्लाई करिए, व्हाट यू विल राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ MnO2, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ O2। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रहा होगा, व्हाट आई कैन राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द वेट डिवाइड बाय मोलर मास। जब आप कैलकुलेट करेंगे, दिस फिगर विल कम्स आउट टू बी 87 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय 32। 2 से 2 आपका कैंसल हुआ, x का वैल्यू आ जाएगा
W by 87 multiplied by 32, इस तरीका से आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं इन W ग्राम ऑफ MnO2। आई थिंक आपको ये वाला अवेलेबिलिटी भी समझ आ रहा होगा कि आप O2 का मास कैसे निकालेंगे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ MnO2, राइट सर। उसके बाद देखिएगा, बच्चा किसी अननोन कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालते हैं तो उसके लिए अपन दो मेथड्स पढ़ते हैं। वन इज विक्टर वेयर मेथड और सेकंड अपन पढ़ते हैं सिल्वर सोल्ट मेथड। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट द मोलिकुलर मास, फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड। बच्चा मोलिकुलर मास किसी कंपाउंड का कैसे निकाला जाता है उस चीज को अपन स्टडी करने जा रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं विक्टर मीयर प्रोसेस। बहुत सिंपल है यार, पहला पॉइंट देखिएगा, इट इज डिफाइंड फॉर वोलेटाइल कंपाउंड। पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसको वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए डिफाइन किया जाता है। होता क्या है इसमें बच्चा, जो भी आपके पास वोलेटाइल कंपाउंड होता है, मान लो यार ये आपने W ग्राम लिया, इसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो वेपर्स बनता है बच्चों, वेपर्स को आप लोग क्या करते हैं, पानी के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली लेट अस सपोज ये आपके पास वॉटर है पहले, और वॉटर के ऊपर आपने क्या किया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो वेपर्स आए इसको अपन ने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अपन बैरोमीटर डिवाइस लगा के रखते हैं जिससे अपन टोटल प्रेशर मेजर कर लेते हैं। बच्चा मुझे एक बात बताए, ये जो टोटल प्रेशर का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड, दैट इज प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड प्लस आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ वॉटर, जिसको आप एक्वस टेंशन का भी नाम देते हैं, राइट। तो यहां पे आपके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेपर्स का प्रेशर आ जाएगा, वेपर्स का प्रेशर मींस वोलेटाइल कंपाउंड के जो आपने वेपर्स बनाए उसका प्रेशर आ जाएगा, दैट इज पीटी माइनस PH2O, राइट सर। आपको पीटी प्रोवाइड किया जाएगा, वॉटर के लिए आपको प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा। आप सिंपली क्या करिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करिए, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT, बट आई कैन राइट P इज फॉर द वेपर, दैट इज PT माइनस PH2O मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, दैट इज वेट डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय RT। तो इस तरीका से W का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है और आप मोलर मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चा इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है, दैट इज विक्टर मीयर प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो आगे अपन स्टडी करते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, उसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिल्वर सोल्ट मेथड। अब बच्चा सिल्वर सोल्ट मेथड में क्या डिफाइन है या किसके लिए डिफाइन होता है वो अपन देख लेते हैं एक बार। सिल्वर सोल्ट मेथड की अपन बात कर रहे हैं, देखिएगा सिल्वर सोल्ट मेथड, तो पहला पॉइंट क्या है उसको जान लीजिए, इट इज डिफाइंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। बच्चा ये जो डिफाइन किया जाता है ये आप ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए डिफाइन करते हैं। आगे देखिएगा, मान लो यार कोई ऑर्गेनिक एसिड है HNA, व्हाट इज द N? N इज नथिंग, इट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बेसिसिटी का मतलब आप शायद जानते होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी, कोई एसिड कितना H+ आयन लूज कर सकता है, दैट रिप्रेजेंट द बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड,
राइट सर। अब देखिएगा बच्चा, ये जो आया इसको आप रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर आयंस के साथ, राइट। और जब सिल्वर आयंस से बच्चा आप रिएक्शन करवाते हैं, मान लो ये सिल्वर आयंस आपने लिया W, राइट सर, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज AgNA, ये आपके पास सोल्ट तैयार हो गया। मान लो ये तैयार हुआ X ग्राम, राइट सर। बेसिकली जब आपने HNA को Ag प्लस से रिएक्शन करवाया, सोल्ट बना AgNA, जिसको आपने कितना मास माना, X ग्राम माना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या करिए, अप्लाई POAC ऑन सिल्वर, सिल्वर पे आप POAC अप्लाई करिए। व्हाट आई विल राइट, 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ Ag प्लस दैट इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ AgNA। आई थिंक आपको बात समझ आ रहा होगा। बट आई कैन राइट 1 मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइड बाय सिल्वर का मैं मोलर मास को मान के चल रहा हूं, दैट इज 108। इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, दैट इज X डिवाइड बाय आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्ट। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। बट आपको क्या करना है बच्चा, सोल्ट का मोलर मास नहीं निकालना, आपको जो मोलर मास निकालना है वो आपको ऑर्गेनिक एसिड्स का निकालना। तो एक चीज आप लिख सकते हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैन आई राइट वन थिंग दैट इज बच्चा, जो मोलर मास आपका एसिड का होगा दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्ट, ध्यान से सुनिएगा, मोलर मास ऑफ सोल्ट माइनस N मल्टीप्लाइड बाय 108 प्लस N मल्टीप्लाइड बाय 1। सर ये कैसे आया, देखो यहां से आपके पास ये सोल्ट मिल रहा है, सोल्ट के मोलर मास में से आप सिल्वर का मास माइनस करें और वहां पे हाइड्रोजन के मास को ऐड करें। अपन को तो इसका मास चाहिए यार, A और A तो यहां पे कॉमन है, तो डिफरेंस कहां आ रहा है, AgN ऐड हो गया, AgN को सब्ट्रैक्ट करिए और H प्लस HN को, HN के मास को क्या करिए, ऐड करिए, राइट। तो इस तरीका से आप मोलर मास एसिड का निकाल सकते हैं। बेसिकली ये आपके पास दो मेथड है जिसकी हेल्प से आप मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।